हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं एयरपोर्ट और अब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जस्ट वेट, ईसा कहाँ जा रहे हैं? एक कहाँ जा रहे हैं? औकात के बाहर। और ऑल सेट एंड वी आर रेडी टू फ्लाई। तो और ये है मुंबई का स्काई व्यू। अर्ली मॉर्निंग 6 AM की फ्लाइट थी हमारी, तो ये देख सकते हैं आप चमचमाती मुंबई स्काई व्यू से। और कुछ ही देर में हमें दिखने लगे पहाड़ जो कि थे पूरे स्नो कवर्ड। तो ये दूर का नज़ारा है और ये देखिए पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। और हम पहुंचते ही हमने ट्राई किया फेमस कश्मीरी स्ट्रीट फूड मसाल चोट, जो मसाला रोटी भी बोलते हैं। तो यहाँ का ये फेमस स्ट्रीट फूड है एंड इट इज जस्ट फॉर ₹20। और हम आ गए हैं, कौन सा गार्डन है ये? मोगल निशाद गार्डन एंड द ब्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मतलब हमारी ट्रिप का अब भी ये फर्स्ट जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं, क्योंकि अभी बज रहा है 10, तो हमने सोचा चलो पहले एक गार्डन देख लेते क्योंकि डल लेक में अब जाना पॉसिबल नहीं है, ठंडी बहुत है। इट वॉज वन डिग्री जब हम लोग लैंड हुए फ्लाइट से, और अब यहाँ पे देख लो वाओ विजिबिलिटी तो फॉगी फॉगी सा है वेदर। चलो चलते। और ये प्यारे से गार्डन का नाम है निशाद बाग, या फिर इसको बोल सकते हैं मुगल गार्डन। और यहाँ पे सबकी धमाल चली है, फोटोज वीडियोज। ये है पूरा गार्डन का व्यू। ईसा यहाँ पे देखो, ये लोग आए हैं कश्मीर में ऐसे सोने के लिए घास में। इतनी ठंडी है और ये इन लोग की धमाल अलग चली है बच्चों की नाना के साथ। हाँ, नाना भी सो रहे टेकिंग रेस्ट। और ये है चिनार लीव्स, जिसको बोलते हैं चिनार लीव्स, ऑटम लीव्स। इट्स एन ऑटम प्लस विंटर। तो यहाँ पे अब हम आए हैं November 22nd को, और यहाँ पर चल रहा है ऑटम एंड विंटर दोनों साथ में। तो बहुत ही जबरदस्त क्लाइमेट है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है कश्मीरी अटायर में, यहाँ पे आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं और रेंट पे वो लोग देते हैं और फोटोज भी वहीं क्लिक हो जाते हैं। अगर आपको आपके मोबाइल में फोटो लेना है तो आप मोबाइल में ले सकते हैं, वरना कैमरामैन भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अलीजा और विनीश के लिए यहाँ पे ड्रेसिंग हो रही है, यहाँ से आप कोई भी कलर के ले सकते हैं। कुछ 130 रेंट है, मतलब सिर्फ हमें वो वेयर करने देंगे पैरन के साथ। कुछ एक्सेसरीज भी है वो लेके आप ट्राई करके उसका फोटो लेके आप वापस दे देना है। और गार्डन घूमने के बाद हम आ गए यहाँ पर डल लेक में शिकारा राइड करने के लिए। तो यहाँ हम शिकारा राइड कर रहे हैं, और शिकारा राइड के लिए वो लोग 2500 से 2000 तक बोलते हैं, पर हमें यहाँ पर बार्गेनिंग करना होता है। तो अराउंड 1000 हमने इसको पे किया है। तो और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग अगर आए तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से ना बोट के आसपास शिकारा के पास जो है दूसरी शिकारा लेकर ये लोग कुछ चीज़ें सेल करने के लिए आते हैं, और अगर हमें पसंद है तो हम ले सकते हैं।
और ये देखो यहाँ पर आ गए हैं कहवा, और ये ले रहे हैं कहवा। चलो क्या है, जाफरान नहीं भाई, ड्राई फ्रूट में डालो, ₹1000 का उसमें ₹900 डिस्काउंट है ना। उधर से सब कुछ बोल रहे मुझे क्या। हाँ मुझे पता है, मैंने वीडियो देखा है। हाँ मैडम, मैडम सब मैडम आके जा चुका है कश्मीर से, हम लोग दूसरी बार आए। सच बड़ा प्लेट बनाऊं 200 वाला? नहीं भाई, बस ये क्या फ्रूट है, एप्पल है। कश्मीरी सेब तो होना ही चाहिए, कश्मीरी का ही है, वही तो बोल रही हूँ, कश्मीरी सेब तो होना ही चाहिए। और उसमें जा रहा है लाल लाल कलिंगड़, एप्पल का बच्चा। हाँ एप्पल का बच्चा, भाई पाइन एप्पल हमारी, इसको पकड़ लो ना। देखो घर के लिए भी चीजें रहती मैडम, घर के लिए रहते ऐसा वाला जिस टाइम फ्रूट बास्केट फ्रूट फल वाल के लिए पूरा वुडन का मैडम, हैंडमेड चीज है। अरे सब मैग्नेट्स वगैरह ना, सोवेनियर। और किचन में रहता छोटा छोटा मैडम, ₹30 का ऐसा, ₹30 थोड़ी बहुत मेमोरी डाल लेंगे। यहाँ से आपका साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है सर? और ये जो आप साइड में देख सकते हैं, ये सारे हाउस बोट्स हैं, जहाँ पे हमें शिकारा से ही आना पड़ता है। ये देखिए ये सब हाउस बोट्स है, और ये दूसरी शिकारा में हमारी पलटन, वो हमारी फोटोज ले रहे हैं और हम उनके। और ये फ्लोटिंग मार्केट स्टार्ट होता है, यहाँ पर सारे शॉप्स है। ये क्या हम लोग, और ये देखिए हम लोग लेके गए थे इधर, आपके आपको जहाँ उतरना है ये यहाँ पर शिकारा लगाएंगे, पार्क करेंगे, और फिर बस आपको जो शॉपिंग करना है कर सकते हैं। यहाँ पे गांव के लोग कुछ नहीं करते, वो फिर हाथ से बनाते हैं और फिर शॉप वालों को बेचते हैं। और ये हम उतरे हैं हाउस शिकारा से, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ऑप्शंस है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टोर है पूरा, पश्मीना कश्मीरी। स्टोल्स है, जैकेट्स है, ये वुलन है, और इतना अच्छा मटेरियल है। क्या नाम था पहले की बात, फ्लोटिंग मार्केट में जो आपको शॉप पसंद आएगा वहाँ पर बोलना, ठीक है सर? पहले पानी पिलाऊंगा। ये यहाँ की लोकल्स की भी यहाँ पे बोट्स होती है, तो सारे जो है अपनी अपनी बोट्स लेकर निकलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक जो लेडी है वो अपने बच्चे को लेकर जा रही है, शायद कुछ लेने जा रही होगी। तो ये उनकी खुद की प्राइवेट बोट्स होती है। और ये देखिए इस तरह से सारी दुकानें हैं, पर्सेस, बैग्स, ड्रेसेस, बहुत सी दुकानें हैं, आपको जो चाहिए आप उतर के ले सकते हैं। फिर हमने थोड़ी सी शिकारा ट्राई की चलाना, और बस हमारी ये राइड खत्म हो गई। और ये हम आ गए हैं यहाँ का फेमस मार्केट लाल चौक, ये पूरा मार्केट एरिया है। और शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए हमारे होटल पर, जो कि थी हेरिटेज लग्जरी, बहुत ही बढ़िया होटल है। तो चले देखते हैं आगे। और ये हम लोग पहुंच गए हैं, बस अब जाके रूम में फ्रेश होंगे और फिर देखते हैं। ये है समावार, समावर बोलते हैं ना इसको, मैं यहाँ पे कहवा बनता है, चाय बनती है। चेक इन करके हमने किया यहाँ पर डिनर, डिनर में बहुत सी वैरायटीज थी और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस खाना था। तो अच्छे से हमने थक के आए थे, तो हमने अच्छे से खाना खा लिया, फ्रेश हो गए, और फिर दूसरे दिन का वीडियो आप ज़रूर देखना, आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करिए। खाना बहुत ही डिलीशियस था, तो देख सकते हैं आप बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पर, खीर और बहुत सब कुछ।
तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर जाते जाते मैंने सोचा चलो आपको रूम भी दिखा देती हूँ, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कोजी सा और सारी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा रूम था और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपको आइटनरी में ये सेट करना है होटल तो ज़रूर करिए, बहुत ही आई विल गिव 5/5 फॉर दिस, तो बहुत ही बढ़िया होटल है। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, टिल देन स्टे ट्यून्ड।